तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को साधने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजकिशोर राज की बात बता रहे हैं कि आखिर इस बैठक में हुआ क्या, क्या है अंदर की खबर। तो राजकिशोर जो बता रहे हैं उसके मुताबिक हम आपको बताना चाहते हैं कि मुलाकात में बीजेपी के ब्राह्मण नेता सबसे ज्यादा गुस्सा अधिकारियों से दिखे। एक वरिष्ठ ब्राह्मण नेता बोले, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता और नेताओं की ज्यादा सुनी जाती है। मुलाकात में कई ब्राह्मण नेताओं ने मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बचाव किया, तो कई नेताओं ने कहा कि टेनी के बहाने ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। शाहजहांपुर में परशुराम जन्मस्थली को पर्यटन स्थल का दर्जा देने की मांग भी इस सभा में, इस बैठक में की गई। तो ये वो बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं जो ब्राह्मण समाज को साधने के लिए उस बैठक में तय की गई, या जो ब्राह्मण नेता हैं उन्होंने अपने मुद्दे उठाए। एक तरफ वोट सेट करने की राजनीति हो रही है, तो दूसरी तरफ जनता की जरूरत की जो चीजें हैं उसको लेकर अच्छी खबर नहीं है। नीति आयोग ने स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में उत्तर प्रदेश को अपनी लिस्ट में फिसड्डी वाले स्तर पर रखा है, यानी सबसे निचले पायदान पर है उत्तर प्रदेश हेल्थ इंडेक्स के मामले में। मेडिकल कॉलेज आएगा, कांग्रेस के समय चलता था ना कि आज घोषणा कर दी, 10 साल के बाद शिलान्यास होता था और बनने में 20 साल लगते थे और तब भी बनता था तो अधूरा रह जाता था। भाइयों बहनों, अब अधूरे के लिए कोई जगह नहीं। अपने सूबे यूपी को मेडिकल कॉलेज के तोहफे देकर सीएम योगी चुनावी रैलियों में विकास के ऐसे ही दावे कर रहे हैं। हालांकि जमीनी तस्वीर काफी अलग है। नीति आयोग ने स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में राज्यों की जो नई रैंकिंग की है उसमें यूपी बहुत पीछे है। 19 बड़े राज्यों की सूची में यूपी हेल्थ इंडेक्स में सबसे निचले स्थान पर है। 2018-19 में स्वास्थ्य मामलों के इंडेक्स में यूपी का यही हाल था। हालांकि यूपी ने पिछले साल के मुकाबले सबसे ज्यादा सुधार किया है। इस इंडेक्स में पिछले साल यूपी का स्कोर 25.06 था, जबकि इस साल 30.57 है। यानी योगी राज में यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार तो हो रहा है, लेकिन राज्य अभी भी देश में सबसे फिसड्डी है। हालांकि अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने के मामले में केरल सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर है तेलंगाना। ABP News आपको रखे आगे।